एबीपीएस न्यूज की टीम आगे बढ़ते हुए ब्लॉक भगतपुर टांडा स्थित उत्तमपुर टिगरी गांव पहुंची। लगभग 8000 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से इस ग्राम पंचायत की दूरी मात्र 5 किलोमीटर ही है। वर्तमान समय में वकील अहमद इस गांव के प्रधान हैं। वर्तमान प्रधान ने अपने गांव में विभिन्न तरीके से विकास कार्य कराए हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने गांव में सीसी सड़कों का निर्माण करवाया है, साथ ही साथ इज्जतघर कहे जाने वाले शौचालयों को भी ग्रामीणों में वितरित किया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सभी पात्रों को आवास भी वितरित किए जा चुके हैं, साथ ही साथ नालियों का भी निर्माण प्रधान द्वारा किया गया है। बात अगर शिक्षा की करें तो इस गांव में जूनियर व प्राथमिक पाठशालाओं में लगभग 310 छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण करते हुए नजर आए, तो वहीं विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों की संख्या भी बेहतर स्थिति में नजर आती है। गांव की स्वच्छता बनाए रखने के लिए गांव में सफाईदार की भी तैनाती की जा चुकी है। वहीं ग्राम प्रधान द्वारा गांव में पानी की आपूर्ति करने के लिए लगभग 65 हैंडपंप व बिजली बनाए रखने के लिए 200 बिजली के पोल व 6 बिजली के ट्रांसफार्मर भी गांव में लगवाए गए। ग्राम प्रधान ने एबीपीएस न्यूज टीम के माध्यम से राज्य सरकार व केंद्र सरकार से मांग की है कि उनके गांव में जल्द से जल्द एक पानी की टंकी, लड़कियों के लिए स्कूल, पंचायत घर, सड़कें व शमशान घाट का निर्माण कार्य जल्द से जल्द किया जाए। मेरा नाम वकील अहमद, ग्राम पंचायत रुस्तमपुर तिगरी, ब्लॉक भगतपुर टांडा, जिला मुरादाबाद, तहसील मुरादाबाद से मैं ग्राम प्रधान। और सबसे पहले मैं एबीपीएस न्यूज़ का इस्तकबाल करता हूँ और बहुत बहुत आभारी हूँ जो हमारे गांव का सर्वे किया, हमारे गांव को चुना, हमारे गांव में विकास कार्य देखे। हमने अपने उसमें जब से प्रधान बने हैं गांव की सेवा में लगातार लगे हुए हैं, गांव की सेवा कर रहे हैं। हमने अभी तक 39-40 आवास गरीब लोगों के जिनके पास रहने के घर नहीं थे उनके बनवाए हैं, कूड़ेदान लगवाए हैं। 25-30 गलियां ऐसी हैं जहां पर पहले निकला नहीं जाता था बिल्कुल भी, वहां सीसी टैल्स के काम करवाए। तो हमारा गांव ने इतना विकास किया है इन 2 सालों के अंदर अंदर जो पिछले 5 साल में भी किसी प्रधान ने काम अपने पूरे कार्यकाल में नहीं करवाया। अब जब से सरकार का सत्ता पलट हुआ है तब से हम प्रधान काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि ग्राम पंचायतों को जितना भी पैसा देना था वो सारा रोक दिया गया है। अब विकास कार्य के लिए पैसा नहीं दिया जा रहा है। हम परेशान हैं कि गांव वाले हमसे शिकायत करते हैं तो हम किस तरीके से उनका कार्य करवाएं। हमारी सरकार से भी ये मांग है कि जल्द से जल्द हमारे जो काम हैं रुके हुए गाँव के वो पूरे करवाए जाएँ। हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या आती है पंचायत भवन की। हमारे गांव में पंचायत भवन अभी तक बना ही नहीं है। वही ग्रामीणों ने बताया कि गांव में पानी की निकासी की व्यवस्था बेहद ही खराब है, साथ ही स्वास्थ्य सेवाएं भी अच्छी नहीं है। ऐसा है, हमारे ग्राम रुस्तमपुरी में ग्राम प्रधान शकील अहमद ने बहुत अच्छा विकास किया है और विकास के बावजूद जो जितनी सौर ऊर्जाएँ लगवाई हैं, बाथरूम लेटरिन बनवाई हैं, खरंजे लगवाए हैं, RCC टाइल्स लगवाई है, काफ़ी काम हुआ है, लेकिन इतना सरकार धन दे नहीं रही जो और विकास कराया जाए। लगातार प्रयास जारी है विकास के लिए, मांगे बराबर कर रहे हैं हम ग्राम रुस्तमपुर के वासी और ग्राम प्रधान भी लगातार उसमें सहयोग में पूरे डटे हुए हैं विकास के लिए।